Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे प्रियो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को अभिवादन. This is the day the Lord has made. Let's all rejoice in the Lord and glorify Him. आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए बनाया है, इसीलिए आइए हम इसमें आनंदित हों. Be filled with the Holy Spirit that you and I may live victorious and a happy Christian life. पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन को जिए ताकि हम एक जयवंत और फलवंत जीवन जीने पाए. So it is always good to spend a few minutes silently in the presence of God and hear His voice. ये बहुत भली बात है कि दिन की शुरुआत में ही हम खामोशी में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और परमेश्वर के वाणी को सुनें. Today's meditation is centered around a passage in the book of Joel, chapter 3. आज का मनन हम योएल नबी पुस्तक से लेंगे जो कि तीसरे अध्याय में पाई जाती है. सो आई वुड लाइक टू रीड दिस एंटायर चैप्टर इन हिंदी एंड बिकॉज आवर नेक्स्ट मेडिटेशन ऑन सैटरडे आल्सो विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेम. और इस भाग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ना केवल आज परंतु परसों की भी मनन इसी भाग से ही लिया जाएगा. एंड सो Joel chapter 3 verses 17 to 21. योएल नबी पुस्तक उसके तीसरा अध्याय उसके 17वें से 21वें पद तक इस प्रकार लिखा है. इस प्रकार तुम जागोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किया रहता है वही हमारा परमेश्वर है. यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे. उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी. यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी. परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा क्योंकि यहोवा सियोन में वास किया रहता है. आमेन आमेन. थ्री थिंग्स आर प्रॉमिस्ड टू थिंग्स आर प्रॉमिस्ड इन दिस पैसेज. इस भाग में तीन ऐसे प्रतिज्ञाएं पाई जाती हैं. रिमेंबर द टाइटल ऑफ दिस डिवोशन कैन बी चर्च विच इज गॉड्स सायोन. और यदि इस मनन को एक शीर्षक दिया जाए तो फिर वो ये होगा कलीसिया परमेश्वर का सियोन. एंड सो थ्री थिंग्स आर प्रॉमिस्ड. तो तीन प्रतिज्ञाएं परमेश्वर देता है. प्रॉमिस टू हुम? परमेश्वर किसे देता है प्रतिज्ञा? प्रॉमिस टू द चर्च. अपने कलीसिया को. विच इज रेफर्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एज सायोन, गॉड्स सायोन. कलीसिया को पुराने नियम में सियोन नाम से पुकारा जाता है. सो इट इज कंपेयर्ड विद सायोन. और उसकी तुलना सियोन से किया जाता है. नंबर वन, पहला द प्रॉमिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस इज प्यूरिटी. पहला प्रतिज्ञा है शुद्धता. I will cleanse it. That's what God says. यहोवा परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध करूंगा. In verse 17, with so shall you shall know that I am the Lord your God who dwells in Zion, my holy mountain. वहाँ पर Jerusalem shall be holy. इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है वह हमारा परमेश्वर है. यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे. परमेश्वर यरूशलेम पवित्र ठहरेगा. सो प्यूरिटी और होलीनेस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज प्रॉमिस्ड फॉर अ चर्च. पवित्रता अर्थात शुद्धता परमेश्वर की प्रतिज्ञा है या वादा है कलीसिया के लिए. Which of course is the most important thing about the Church of Jesus. जो कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए. God, Jesus, in the book of Hebrews say, without holiness, no one can see God.
इब्रानियों की पत्री में लेखक इस प्रकार से कहता है, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। And so if you are a person desirous of seeing God, then you must develop that holiness of God, the divine holiness in your life. यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता दिखाई पड़े। The second thing promises plenty. दूसरी जो प्रतिज्ञा है वो ये है, बहुतायत। And in verse 20 it says Judah will be inhabited forever. 20वें पद में इस प्रकार लिखा है कि यहूदा सर्वदा बना रहेगा। So this passage talks about having plenty and abundance of provision. और इस भाग में जब हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर जब मुहैया करता है तो बहुतायत से वो देता है। Because in verse 18 it says, the mountains shall drop new wine. क्योंकि 18वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। Now, the abundance will be so much that everything will be like this honey drops from the mountains. इससे हम ये समझते हैं कि बहुतायत इतना होगा कि वो टपकने लगेगा। It says here Judah will be inhabited forever. लिखा है कि यहूदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। And that means there is a beginning, but there is no end. इसका अर्थ यह है कि शुरुआत होगी परंतु अंत नहीं होगा। That is what perpetuity mean, continuation. और बने रहने का अर्थ यह है। And so one can expect life, you know, for the church, that is what is going to happen. So kalisia ke jeevan mein इसी प्रकार से हम उम्मीद रख सकते हैं। Once the church is joined to Jesus Christ in the rapture, then the church will never be separated from Jesus, and the church will be with Christ forever and ever. जिस पल मसीह की कलीसिया यीशु मसीह से बादलों में जुड़ जाएगा, उस समय से लेकर हमेशा तक कलीसिया यीशु मसीह के संग ही बना रहेगा। So that's what verse 20 says. But Judah shall be inhabited forever, and Jerusalem to all generations. यही अर्थ है इस पद का, 20वें पद का, जहां पर लिखा है यहूदा सर्वदा बना रहेगा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। And then chapter, I mean verse 21. और फिर उसके बाद जब हम 21वें पद में आते हैं, I will avenge their blood, blood I have not avenged, for the Lord dwells in Zion. वहां पर परमेश्वर कहता है, जो खून, निर्दोष खून बहाया गया है, उस बहाए हुए खून का बदला मैं अवश्य लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर सियोन में वास करने वाला परमेश्वर हूं। This verse talks about God and the church. और इस पद में हम परमेश्वर पिता और कलीसिया के बीच रिश्ते को हम देखते हैं। What is the relationship? यहाँ पर क्या रिश्ता है? And God's plan for the church. और परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए। And God's desire for the church to be made perfect and remain forever with the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर की वो इच्छा कि कलीसिया सिद्ध बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहे। And that is what verse 21 reveals. और 21वें पद में ये बातें सामने आती हैं। So let's talk about the church in this world. तो इस संसार में कलीसिया का क्या रोल है, हम उस पर देखेंगे। Number one, the church is the greatest witness of God. सबसे पहली बात, कलीसिया परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी गवाह है। So, as I said, verse 21 is an indication of the church. और जैसा मैंने कहा, 21वां पद इसमें कलीसिया को दिखाया गया है। And there are three things about the church that we read here. और यहाँ पर तीन ऐसी बातें हैं कलीसिया को लेकर जो हम यहाँ पाते हैं। Number one, church is the greatest witness of God. और उसमें पहली बात वही है,
कि इस पृथ्वी पर या इस संसार में परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी गवाह कलीसिया है। The existence of God's church in this earth is a witness to God's being providence and redemption. परमेश्वर की कलीसिया जो इस पृथ्वी पर बनी हुई है उसका कारण और उद्देश्य ये है कि वो गवाही दे परमेश्वर के छुड़ाने वाले सामर्थ को और मुहैया करने वाली बात को। आमीन। इट इज अ विटनेस टू गॉड्स कैरेक्टर, परमेश्वर के चरित्र के लिए एक गवाह। इट्स क्रीड एंड प्रैक्टिसेस आर थॉट टू बी होली जस्ट एंड बेनिवोलेंट। कलीसिया के तौर तरीके और सोच विचार इस बात को दिखाती है परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है और उदार है। अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ मैनकाइंड हैज ओपोज्ड द चर्च। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलीसिया का विरोध किया है। स्टिल द चर्च एक्सिस्टेड एंड इट हैज इंक्रीज्ड। तो भी कलीसिया ना केवल बनी रही परंतु इस समय में वो बढ़ गई। वी आर नॉट एबल टू अकाउंट फॉर दिस मिरेकल अनलेस इट इज गॉड। और इस प्रकार का एक आश्चर्यकर्म तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक परमेश्वर को इस बात में ना लाया जाए। सो द चर्च इज अ लिविंग विटनेस टू गॉड्स होलीनेस। और इसीलिए कलीसिया एक जीती जागती गवाह है परमेश्वर के पवित्रता की। सो इट इज द चर्च इज अ विटनेस। तो कलीसिया एक गवाह है एंड विटनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चर्च इज द ग्रेटेस्ट विटनेस ऑफ गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर स्वयं के लिए एक गवाह। एंड सेकेंडली द चर्च इज अ लिविंग विटनेस टू His holiness। और कोई आम गवाह नहीं परंतु एक जीती जागती गवाह परमेश्वर की पवित्रता को लेकर। Persecutions and oppositions never weakens the church। सताव और विरोध कभी भी कलीसिया को कमजोर नहीं कर पाएगी। They only strengthens and increases the church of Jesus Christ on the face of the earth। सताव और विरोध केवल कलीसिया को बढ़ाएगी और सामर्थ्य बनाएगी। सो एक्सटर्नल ओपोजिशंस एंड पर्सिक्यूशंस एंड टॉर्चर फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड कैन नेवर बी अ हिंड्रेंस टू द ग्रोथ ऑफ द एंड अबंडेंस ऑफ द चर्च। इसीलिए इस बात को समझें कि जब कभी भी बाहर से सताव हो या विरोध का सामना करना हो ऐसे समय में कलीसिया कभी भी निर्बल नहीं होगी और ना ही वो खत्म होगी। सो लेट्स बी एनकरेज्ड बाय दिस रियलाइजेशन। इसीलिए इन बातों से आइए हम उत्साह पाएं। एंड लेट अस नॉट वरी और फियर पर्सिक्यूशन। और हम कभी भी सताव के प्रति हम भयभीत ना हो। इट विल नेवर वीकन द चर्च। वो कभी भी कलीसिया को कमजोर नहीं करेगी। इन इंडिया we are going to witness that there will be a tremendously strong bold church। और भारत में हम देखने जा रहे हैं कि जो कलीसिया होगी वो बलवंत होगी और बड़े हियाव से भरा हुआ एक कलीसिया होगा। God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। So remain faithful to the church। इसीलिए कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। Your response to when persecution is important to encourage other believers। और जिस प्रकार से आप सताव के प्रति प्रत्युत्तर दिखाते हैं वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। May the Lord use you। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। Blessed Holy Spirit, we thank you for your church। धन्य पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए धन्यवाद। इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स सीक्रेट ऑफ ग्रोथ। उसका बल और उन्नति के जो रहस्य है।
So let your people always remember this truth and remain true to the church and loyal to the church. वो पवित्र आत्मा ही है, इसीलिए लोग कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य और सच्चे बने रहने पाएं. So that at the end we can be proud of the church of Jesus Christ. ताकि समय के अंत में हम कलीसिया, प्रभु यीशु की कलीसिया के प्रति बहुत गर्व रखने वाले लोग होने पाएं. Amen. Amen.